संसार में सबसे अच्छी, बड़ी और महत्वपूर्ण बात मानव भावना प्यार है। प्यार के बिना मनुष्य का जीवन नीरस ही नहीं बल्कि व्यर्थ है। हमें ये प्यार कहां से मिलेगा? ये प्यार कहां से शुरू होता है? प्यार क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर तथा समाधान पवित्र शास्त्र में है। याद करते हैं कि उन्होंने ही
ऐसा चुनाव करने की शक्ति राय और आपका शक्तियां जिससे कि मैं या आप अमुख व्यक्ति को अपना जीवन साथी जीवन सहेली बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, दिल से तैयार हो जाते हैं, ना तो सहमति लेकिन दिल से हम तैयार होते हैं, आपस में प्यार का बंटवारा करते हैं और लगने लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सुमित के लिए बहुत सारी लड़कियां थी, मोनिका के लिए बहुत सारे लड़के थे, या क्या वजह है कि ये दोनों ही एक साथ मिलकर के शादी के पवित्र बंधन में बांधेंगे, इसे हम कुल मिलाकर ही करेंगे। ये ईश्वर की मंजूरी है, ईश्वर जोड़ते हैं एक परिवार को साथ ही साथ में, न तो दो व्यक्तियों को लेकिन दो परिवारों को जोड़ते हैं। बाकी अद्भुत कृपा है, ये अपने आप में चमत्कार है। आइए आज हम अपने मुक्त हैं कि ईश्वर ने दो बेटे बेटियों को एक साथ जोड़ने का काम किया और ये दोनों बेटे बेटियां एक दूसरे के लिए मां करते हुए ईश्वर की योजना को मां करते हुए हरार करते हैं, बनते हैं और इस हरार के जीवन को जीते हैं। आइए हम अपना पाप स्वीकार करें, जिससे कि इस पुत्री योग याद में योग रीति से भाग लेते हुए दोनों बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना कर सके और हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर के प्रिय लगे। हम सब मिलकर बोले शक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन मुझे और और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा।
सहयोगी नहीं मिला, तब प्रभु ने ईश्वर तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सागर में सागर दया।
पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 13 से 15 एवं 17 से 20। आठ का मूल वाक्य है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग है? जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे, मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। आज वाकई में
बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे सुमित और मोनिका बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, देख करके मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। और आप लोग थोड़ा सीरियस हैं, थोड़ा लाइट हो जाइए। एक बार की बात है, एक लड़का बहुत जोर से रो रहा था, फूट फूट करके रो रहा था। लड़का लोग का तो रोना आप लोग जानते हैं कि सब भद्दा सुनाता है। तब सारे गांव वाले जुट गए, बोले कि बाबू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोला कि मेरे दादाजी की बहुत याद आ रही है। अच्छा क्या हुआ? वे इस दुनिया में नहीं रहे। कब? 10 साल पहले। बोला कि 10 साल पहले की बात है, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग तो तुम्हारे दादाजी जैसे ही है ना, जितने बूढ़े थे सब बोले हम लोग आपके दादाजी जैसे ही हैं। बहुत खुश हो गया, फिर चला गया। एक सप्ताह के बाद फिर रो रहा है, फिर जोर जोर से रो रहा है। फिर लोग जमा हुए, इस बार क्या हुआ? नहीं, मेरी मम्मी की याद आ रही है। अच्छा वो क्या हुआ? मम्मी 5 साल पहले गुजर गई। सारे महिलाएं बोले कि कोई बात नहीं बेटा, हम लोग आपके जो बुढ़िया लोग थे बोले सब आपकी मम्मी जैसे ही हैं। अच्छा ठीक है, उसको तो बहुत प्यार मिलने लगा। अब उसके बाद एक सप्ताह के बाद फिर रो से रो रहा, लड़का लड़का रोना भी क्या बोले। अब उस बार जमा हुए सारे लोग, बोले क्या हुआ? नहीं यहाँ की महिलाएं हमको नहीं समझती है। मतलब क्या हुआ? नहीं मेरी पत्नी भी मर गई, जब मेरे दादाजी मरे सारे के सारे आकर के बोले कि हम आपके दादाजी जैसे हैं। जब माँ मर गई तो सारे बोले हम आपकी माँ जैसे हैं, लेकिन हमारी पत्नी मर गई तो कोई नहीं बोले आपके हम आपके पत्नी जैसे हैं। तब उसकी बढ़िया धुलाई हुई वहाँ पर, सारे महिलाएं उसको पीटे जोर से। क्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई बहनों, बाबू सुमित और मोनिका, यही दुनिया का रीति है। आपको दादा दादी मिल जाएंगे, आपको माँ बाप मिल जाएंगे, रिश्तेदार वाले ठीक है, भाई बहन भी मिल जाएंगे, लेकिन पत्नी नहीं मिलेगी। जो है वही है, से जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। हमारे आदिवासी संस्कृति के अनुसार जीवन के 3 मुख्य पड़ाव हैं, जिसमें जन्म होता है, शादी होती है और तब मरण होता है। और इस तीनों एरिया में लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, आते हैं परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, सगे संबंधी सब मदद करते हैं। और आज हमारे भाई सुमित और हमारी मोनिका शादी के पड़ाव पर पहुंचे हैं, इसलिए हम सभी परिवार वाले, सभी रिश्तेदार, सभी ब्रदर कन, सभी फादर कन यहाँ पर उपस्थित होकर के हम लोग इनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी खुशियों से भरा हो, इनकी जिंदगी सुखमय हो। और हमारे पूर्वज लोग जानते थे कि विशेष करके शादी के समय में 3 चीजों की बहुत आवश्यकता होती है प्रार्थना के लिए। 3 C's, पहला कि उनको चिल्ड्रेन संतान की अच्छी प्राप्ति हो, उनको संतान सुख मिले। दूसरा कैटल्स, मतलब मवेशी लोग। पहले के जमाने में तो जिसके घर में जितना ज्यादा मवेशी लोग हैं वो लोग उतने धनी माली और उतने ही खेती बाड़ी करने वाले होते थे, इसलिए उनको मवेशियों से बहुत प्यार था। और तीसरा क्रॉप्स, मतलब अच्छी फसल होनी चाहिए। लेकिन इतना होने से पहले हमारे पूर्वज लोग क्वालिफिकेशन देखते थे कि लड़का लड़की लोग शादी होने के लायक काबिल है कि नहीं है। तो मैं जब शादी के लिए आ रहा था तब कुछ कोई हमारे बड़े भाई लोग पूछे कि पूछना कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो क्वालिफाइड है कि नहीं है शादी करने के लिए। तो हमारे पूर्वजों का, आदिवासियों का क्या क्वालिफिकेशन होता था आप लोग जान रहे हैं? लड़का के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता था? जोर से नौकरी। हाँ सही आंसर, लड़का को अगर हल बनाने सीखे लड़का तो क्वालिफाइड है। मतलब अगर लड़का हल बना लेता है तो बैल नाद लेगा, जोत लेगा, खेती कर लेगा और अपनी पत्नी को बढ़िया से पासेगा, नहीं पासेगा
पालेगा पोसेगा, अपने बच्चों बच्चों को ही पालेगा पोसेगा और सुखी जीवन जिएंगे, ऐसा क्वालिफिकेशन, बहुत सुंदर क्वालिफिकेशन होता था। और लड़की के लिए, लड़की के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता था? खाना पकाना, टेस्टी खाना, नहीं तो वापस नहीं है। अच्छा उत्तर है, सही उत्तर है, हमारे गुरुजन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वही हमको सिखाए आर्टिस्ट में यहाँ पर। अगर लड़की नेठो बनाने सीख जाते हैं, उन्हें क्या नेठो बनाने जाती है मियाँ, ये तो क्वालिफिकेशन फेल। नेठो समझती है पहले? समझती है नेठो का मतलब जो सिर में ढोने वाला जो बनाते हैं गांव घर में, नेठो अगर लड़की बनाने सीख जाती है तो वो पोछा बेड़ा बहुत सुंदर से ढो सकेगी, पानी ले लाएंगे और फसल अच्छी हुए तो फसल को ले लाएंगे, लकड़ी ले लाएंगे और तब जीवन बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो दोनों किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर। आज हमारी सरकार जो आत्मनिर्भर की बात करती है, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, हमारे समाज में तो सैकड़ों साल पहले से आत्मनिर्भर की परंपरा रही है। तो आज ये दोनों क्वालिफाइड लग रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे एक ऑडिटर हमारे पास आए थे लॉकडाउन के दरमियान और वो बोले कि भाई आज हम अपने दो बेटों को खूब धुलाई किए, एक ग्यारहवीं पढ़ता है एक बारहवीं में। क्यों धुलाई किए भाई, बड़े हो गए धुलाई नहीं करना चाहिए ना, आपको पीट सकता है ना, हमको पीटेगा, कैसे पीट देगा? तो क्या हुआ था, केस क्या हुआ था? नहीं, उसकी मम्मी उनके लिए सुबह से शाम तक खाना बनाती है और गिर गई थी सीढ़ी के पास और ये लोग पबजी खेल रहे थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे, उसकी मम्मी बुला रही कि चलो आओ आओ हेल्प करो, आई नहीं रहे गेम खेल रहे। तो ऐसे लड़के को नहीं पीटेंगे तो किसको पीटेंगे? लेकिन क्यों पीटते हैं, यही तो आपके जीवन बीमा है, आने वाले दिनों में यही तो आपको देख रेख करेंगे। फादर आप गलत हैं, कैसे भाई कैसे गलत हैं, ये लड़का लड़की लोग ना, आप शादी लड़का लोग को शादी करने तक ही बेटा है, लड़की तो चलो कम से कम जिंदगी भर के लिए बेटी रहती है, आते हैं माता पिता से मिलते हैं। लड़का लोग शादी के बाद अपना घर दूर बसाते हैं, कोई अमेरिका कोई लंदन तो कोई कहाँ दिल्ली पटना मुंबई, और अंतिम में हमको किसके साथ रहना है, अपनी गुड़िया के साथ ही रहना है, सब छोड़ देंगे हमको, वो सब छोड़ देंगे, बेटा बेटी छोड़ देंगे, क्रिसमस में आएंगे ईस्टर में आएंगे एक दो दिन बढ़िया से खाएंगे पिएंगे फिर दफा हो जाएंगे। बात तो सही है कि सारे अपनी अपनी जिंदगी को ही देखते हैं और अंत में पति पत्नी ही जिंदगी भर साथ गुजारते हैं। फाइनल मैसेज आप दोनों के लिए, जो भी है शुरू में जो कहानी बताया था, दादा दादी मिल जाएंगे, भाई बहन मिल जाएंगे, माता पिता मिल जाएंगे, बेटा बेटी मिल जाएंगे, सब छोड़ सकते हैं, मतलब दूर जा सकते हैं अपनी जिंदगी को लेकर के, और अंत तक अगर जीना है तो किसके साथ जीना है, आप दोनों को ही जीना है, आप दोनों को ही जीना है। तो अंत में यही बोलूंगा, एक शायरी कोई हमको लिख के दिया, बोलना कि इसको जरूर बोल के आना, दिल बदल ना लेना सिम कार्ड की तरह, दिल बदल ना लेना सिम कार्ड की तरह, प्यार कम ना कर देना बैलेंस की तरह, कहीं गुम ना हो जाना टावर की तरह, मगर एक दूसरे की जरूरत महसूस करना चार्जर की तरह। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू लाइफ। पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम पर सामने आएंगे, हम स्वीट फादर्स भी सामने आएंगे। समझाया है, अब मैं कलीसिया के नाम पर
आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूं। सुमित्रिका और मोनिका मेरे साथ भाग्या, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे मोनिका, मैं सुमित आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार पूरे करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे सुमित, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम
सभी कृपादानों के लिए, जीवन के दान के लिए और जीवन के इस विशेष पड़ाव के लिए धन्यवाद। और अर्पण के साथ कि बेटे बेटियों का जीवन ईश्वर के हाथों रहे और उन्हीं के संचालन में टिके, इन्हीं सब बातों को लेकर के आइए हम एक साथ मिलकर वज्र त्रित्व ईश्वर का गुणगान करें। प्रभु कृष्ण के द्वारा सबके सब मिल करके
आशीर्वाद की प्रार्थना दंपति पर करते हैं, नवविवाहित दंपति पर करते हैं। दोनों सामने आएंगे। संत पौलुस कहते हैं कि हम सब के सब प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा का मध्यक है, पवित्र आत्मा सब में निवास करता है, न केवल हमारे पुरोहित भाई लेकिन आप सब के सब इनकी ओर अपने दाहिने हाथ बढ़ाए और इनके लिए खास प्रार्थना करें। हम विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना करें। ख्रीस्त में विवाहित इन वर वधु पर ईश्वर दया करें और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संस्कार संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री पुरुष की अभिन्न संगनी नियुक्त किया ताकि वे अब से दोनों नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ा है उन्हें कोई अलग न करे। ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रीस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है।
सच्ची शांति का अनुभव करें।
ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान मुझे भी सर्दी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे दूर से ही जय जीशु बोलेगा। धन्यवाद।